हमदम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेरा इस्माइल खान और मुलहिका इलाकों में गुज़श्ता 20 सालों से सरगर्म अमल है। अवाम में मुख्तलिफ मौजूदात पर शोर बेदारी और तरबियत के हवाले से HDO कई प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी है। आम लोगों में अपने सकाफती विरसे की पहचान और इसको आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने के हवाले से महकमा सकाफत खैबर पख्तूनख्वा की मावनत से सकाफती विरसे के आया का प्रोग्राम रिच प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। इस सिलसिले में तहसील डेरा इस्माइल खान के इलाके दिनपुर में 22 अप्रैल 2017 को खैबर ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज में तलबा की इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खैबर ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज के 30 होनहार तलबा ने हिस्सा लिया। इस तरबियती प्रोग्राम में तलबा को जदीद फोटोग्राफी और कहानी निगारी के असूलों और तरीक़ेकार से रोशनास कराया गया। ट्रेनर्स ने तलबा को मल्टी मीडिया की मदद से फोटोग्राफी और कहानी निगारी के बारे में तफसीली आगाही दी। तलबा को अमली तौर पर कैमरे के इस्तेमाल के मुख्तलिफ मराइल से गुजारा गया ताकि वो खुद कैमरे का इस्तेमाल करके बेहतर अंदाज में फोटोग्राफी सीख सकें। तलबा को दो ग्रुपों में तकसीम करके उन्हें कहानी का खाका देकर खुद कहानी लिखने की तरबियत दी गई ताकि तलबा अमली तौर पर कहानी नवीसी के फन से बैरावर हो सके। ग्रुप वर्क के बाद तलबा को कहानी नवीसी के मुतलक बताया गया कि किस तरह बेहतर कहानी लिखी जा सकती है। तलबा ने ट्रेनिंग में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया और उनके मुंतजमी ने इस किस्म के तरबियती प्रोग्राम मुस्तकबिल में जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। ट्रेनिंग के आखिर में तलबा में असनाद तकसीम की और मेहमान खसूसी प्रिंसिपल खैबर ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज सैयद शहरोज अली शाह ने कहा कि सूबाई महकमे सकाफत और HDO की सकाफत के आया के प्रोग्राम काबिले तहसीन है और इस किस्म के प्रोग्राम से जहां हम नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास कर सकते हैं, वहां ऐसी तकरीबात हमारी सकाफत के फरोग का बायस बनती हैं। हमारी सकाफत अमन, मोहब्बत और भाईचारे की अमीन है और हम अपनी सकाफत के जरिए दुनिया को अमन का पैगाम दे सकते हैं। अब ये जो है, ये उसी से तल्लक रखती है। बात स्टोरी ऐसे होती है, बहुत सारी बात स्टोरी ऐसे होती है जो फोटोग्राफी पर बेस करती है। किस पे? फोटोग्राफी पे। स्टोरी बनाएं। एक आप इसके ऊपर क्या बताएं? स्टोरी बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि आपको आसानी होगी, आप उसकी तस्वीर देख के उसके ऊपर स्टोरी बना सकते हैं। आपके प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ प्रिंसिपल साहब की ये पिक्चर है, आप प्रिंसिपल साहब के ऊपर एक एस्से लिखें या एक स्टोरी लिखें, ये आज प्रिंसिपल कैसे बने, जिंदगी के बारे में हमें बताएं। सर आपको जिंदगी के बारे में पिछले तकरीबन कोई 20 साल से मेरे इस्माइल खान में काम कर रहा है और याद है कि पैरेंट्स के ऊपर ठीक है ना, वो आपकी ट्रेनिंग अच्छी सी स्टोरी और उस स्टोरी के साथ अच्छी साधन। अब अगर आप लालच बुरी बुरा है वो कुआं नजर आता है जहाँ पे उसको अपना अक्स नजर आ रहा होता है, समझ आ गया? फिर पहले जो बात है वो मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा निष्पा से कि वो आए और वो थोड़ा आपको ये दो तीन चीज़ें हैं उनके ऊपर गाइड करें, फिर मैं आपके साथ दोबारा ज्वाइन करूँ। जिस तरह हम रब्ता करते हैं, जिस तरह इसका बेसिकली जो एग्जाम्पल है वो इंटरनेट है, इंटरनेट के जरिए जो स्काइप, ये भी बेसिकली बहुत सही एग्जाम्पल है इसका। इसके अंदर और भी बहुत सारे चीज़ें थे जो हवा यानी कम्युनिकेशन होते हैं लोगों के एक दूसरे जगह यानी वो पहुँचना नहीं है, तो इसके जरिए वो क्या एक दूसरे से रास्ता मजबूत करे तो हमारे लिए फ्यूचर में आसानी होगी। करने के लिए मुख्तलिफ़राए इस्तेमाल करते हैं। आ रही है बात की समझ? तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन एंड मीडिया। कम्युनिकेशन की समझ आ रही है? कम्युनिकेशन क्या होती है? मैसेज पहुंचाना, आप अपनी बात पहुंचाना, सादा लफ्ज़ों में अपना पैगाम पहुंचाना, ठीक है? उसके बाद है कम्युनिकेशन टीवी के सारे चैनल जो किसी को खबर पहुँचाते हैं, जो जरूरी खबर में एक लाइन मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोडक्ट भेजना है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि वो परफ्यूम मेरा फौरन खरीद लिया जाए। हाँ जी, तो उसके लिए हम मीडिया के जरिए हम अपनी चीज भेजें। इनका पॉइंट है कि जबरदस्त, मैंने ये कहा कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बयान करनी चाहिए। आप कम्युनिकेट भी अच्छा करें, आप
सर और सैयद इब्राहिम उसको पता चले हम किस लिए वीडियो करते हैं और इसके नजर में आए कि सर हम जिले के साथ उसको लोगों को दिखाया कि किस तरह काम करते हैं और इस तरह सर ये और क्या कर रहे हैं अपना मैसेज आपके जहन में नष्ट कर रहे होते हैं मिटा रहे होते हैं जो टीचर आपके आगे ऊपर डंडा उठा के फेंक देते हैं क्या उनकी बात समझ आती है आप इन्हें जल्दी जल्दी एक क्लास से पढ़ाएं और ये जल्दी जल्दी क्लास से चले जाए ये बात होती है ना प्रोडक्ट मेरा सेल भी हो गया आप लोगों ने खरीद भी लिया उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल कर लिया अब इसके बाद नेक्स्ट मरना क्या होगा नेक्स्ट बार आया होगा कि हम इस चीज़ को इस्तेमाल करें इसके बाद हमें पता चले कि यह चीज़ अच्छा है या बुरा है इसकी खसूसियत बयान करेंगे या इसको करेंगे खसूसियत किसको प्रोडक्ट उठा के फेंक देंगे अगर अच्छा है तो इस्तेमाल करेंगे और अगर आपने गूंगे से बात करनी हो गूंगा आदमी बोल ना सकता हो सुन ना सकता हो आप क्या मेथड यूज करेंगे शायद की जुबान कम्युनिकेशन पर कि किसी ऐसे बंदे से आप बात करना बेटर है किसी आप ऐसे बंदे से बात करना इस फैलों के साथ आप बात करते हो जो आपका क्लास फैलो होता है या उम्र के साथ एक जैसा होता है उस वक्त आप किसी से बात करते हो नॉर्मल ठीक है तो कम्युनिकेशन बेसिकली फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है ठीक है कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज भी होती है अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ मेरे आप हमसे ज्यादा माशाल्लाह जानते हैं आप पढ़ रहे हैं तो बहुत पुराना स्टोरी पढ़ी थी जब आप स्टोरी को देख रहे हैं कि स्टोरी सब कंपोज हो तो कोई भी ऐसी चीज जब आप लिखे जिससे किसी को फायदा हो उसको आप क्या नाम देते हैं स्टोरी का स्टोरीज ने मुझे नाम बताए आप में से कोई मुझे बता सकता है कि विलियम शेक्सपियर जो बाहर लगा हुआ है इसका कोई ड्रामा या कोई नॉवल या कोई ऐसी चीज़ आपके जहन में हो किसी के भी जहन विलियम शेक्सपियर को जानते हैं इंग्लिश का फिलोसफर था ड्राम के लिए कोई ऐसे बता दें उर्दू का कोई एक टॉपिक बताना चाहिए जो मैट्रिक में आप पढ़ रहे हैं जब कहते मैं ब्लॉग शरीफ गया जब कहते मैं चुगले गया चुगला देखा डी खान का आप चुगले की स्टोरी जब लिखना शुरू करेंगे तो अगर स्टोरी चुगले की पिक्चर भी साथ आ जाए तो बंदे को बहुत सारी चीजें ज्यादा क्लियर भी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी या आप मिसाल के तौर पर आपका क्या नाम है हिजबुल्ला के ऊपर आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं तो स्टोरी लिखने के साथ ही हिजबुल्ला की आप एक पिक्चर बना दें तो वो सारा का सारा जो सिचुएशन होगी वो हिजबुल्ला की क्लियर हो जाएगी वहां पर ऐसे ही है
सुबह की सैर के ऊपर आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं, उसके फवायद के ऊपर एक स्टोरी लिखना चाहते हैं, तो आप जब लिखेंगे तो आप अगर सुबह सूरज निकलता हुआ उसके अंदर तस्वीर उसके अंदर लगा दें तो वो ज्यादा खूबसूरत होगी कि नहीं होगी? होगी ना। क्यों मोबाइल में हाथ खड़ा करें? मोबाइल फोन किन किन के पास कहाँ शेयर करते हैं? फिर आपसे लोग पूछते हैं कि ये जो सेल्फियां रख रहे हैं किस जगह की है, कहाँ गए थे आप? ठीक है ना, दैट मीन कि वो तस्वीर आपको बता रही होती है कि ये बंदा फॉर एग्जाम्पल सवाल गया था, इस्लामाबाद गया था। नेक्स्ट आते हैं जी, आप स्टोरी लिखने के कितने मराहिल हैं, कोई पढ़ेगा इसको? कोई भी स्टोरी लिखने के लिए आपको बेसिकली स्टोरी राइटिंग क्या है, उसके अलावा फोटोग्राफी का मकसद क्या है, हम क्यों लेते हैं, हमारे कल्चर क्या चीज़ें हैं, और हमारे इलाके में जो हमारे कल्चर है चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस है, एक चीज़ को हम अपनी जुबान में पश्तो में क्या कहते हैं और वही चीज़ सराइकी में आके उसको क्या कहते हैं और वही चीज़ फिर उर्दू में उसका क्या नाम लिया जाता है, तो वो डिफरेंस आ रहा होता है। ये एक छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए, इसका मकसद यही था कि आप लोगों की थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट भी हो जाए, नई नई चीज़ें आप लोगों के माइंड में आ जाए, और स्पेशली मैं इस तरह सर ने आपको स्टोरी की प्रैक्टिस करवाई है, मेरे ख्याल से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी।